नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सुप्रभात आप सभी का। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। तो बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके पास होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा की। विजय तिलक, सबसे पहले बात भाजपा के चाणक्य अमित शाह के यूपी दौरे की, जिसे अब दूसरा दिन है और माना यह जा रहा है कि अमित शाह ने 2022 की रणनीति साफ कर दी है। दरअसल वाराणसी में हुए महामंथन से काफी कुछ फाइनल हो चुका है। हालांकि आज भी अमित शाह वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करने के बाद आजमगढ़ और बस्ती जाएंगे और आजमगढ़ में अमित शाह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। उनके साथ और भी कई पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा बस्ती में सीएम योगी के साथ सांसद खेल कुंभ का उद्घाटन भी करेंगे। तो अमित शाह के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। बस्ती में सांसद खेल कुंभ का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही लगातार महामंथन जारी है। आजमगढ़ और बस्ती जाएंगे अमित शाह। वाराणसी में राजभाषा सम्मेलन का भी शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री और बस्ती में सांसद खेल कुंभ का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। इससे पहले वाराणसी में महामंथन किया गया, किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, प्रभारियों को लेकर, ट्रिकों को लेकर, तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई है और आज भी वाराणसी में महामंथन होने वाला है। लेकिन आज शाह क्या क्या करेंगे वो भी जान लेते हैं। दोपहर 12:30 के आसपास वाराणसी से वो आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:55 पर आजमगढ़ पहुंच जाएंगे। दोपहर 1:20 से लेकर 2:30 तक का कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है और उसके बाद 2:40 पर आजमगढ़ से वो रवाना हो जाएंगे और 3:30 तक सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 3:40 से लेकर 4:25 तक जनसभा को संबोधित करेंगे। शिव हर्ष किसान पीजी कॉलेज में ये कार्यक्रम है। 5:00 गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। तो आज पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा वो आपको विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल अमित शाह का ये दौरा यूपी फतेह के लिए है, जिसको लेकर वाराणसी में भाजपा का महामंथन हुआ है। इसमें अमित शाह ने 2022 चुनाव के लिए जीत के मंत्र कार्यकर्ताओं को दिए और इतना ही नहीं, अमित शाह ने विपक्षी नेताओं को लेकर भी बड़ा बयान दिया, जिसका सीधा इशारा सपा के बड़े नेताओं पर था। साथ ही यूपी फतेह के लिए खास प्लान भी बनाया गया है। रणनीति का जो खाका खींचा गया है वो एबीपी गंगा आपको बता रहा है। तो मिशन 22 के 22 मंत्र क्या रहने वाले हैं? विधानसभा प्रभारियों को चुनाव जीतने का मंत्र दिया गया है। अमित शाह की तरफ से 2403 में से 15 प्रभारियों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। 2017 में हारी सीट जीतने की कोशिश रहेगी। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने पर चिंतन किया गया है। ज्यादा संभावना वाली सीटों पर नजर पार्टी की रहेगी। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी भाजपा के खिलाफ पूरी तैयारी से जुटे हैं। इस सिलसिले में इस बार अखिलेश सीएम के गढ़ से समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। जी हां, अखिलेश यादव गोरखपुर में हुंकार भरेंगे और यहां समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे और ये रथ यात्रा गोरखपुर से कुशीनगर पहुंचेगी, जिसका सीधा मकसद पूर्वांचल में जनाधार को मजबूत करना है। आपको ये भी बता दें कि विजय यात्रा के तीसरे चरण का अभियान 2 दिन तक चलेगा। गोरखपुर एयरपोर्ट से विजय रथ में सवार होकर अखिलेश कुशीनगर की हर विधानसभा में 2 दिन तक जनसंपर्क करेंगे। तो पूर्वांचल में सपा का विजय रथ पहुंचेगा। समाजवादी विजय रथ यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ होगा। गोरखपुर एयरपोर्ट से कुशीनगर तक हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। गोरखपुर एयरपोर्ट से विजय रथ में सवार होंगे और 2 दिन तक विजय यात्रा का तीसरा चरण चलेगा। कुछ देर बाद गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंच भी जाएंगे अखिलेश यादव, जो जानकारी मिल रही है। 2 दिन तक जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव, अपने वोट बैंक को मजबूत करेंगे। कल कुशीनगर से लखनऊ वापस पहुंचेंगे।
12 अक्टूबर को कानपुर से शुरू की गई थी यात्रा और विजय यात्रा की शुरुआत में बुंदेलखंड का दौरा अखिलेश यादव ने किया था। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे विश्वसनीय सर्वे की। 3 महीने बाद यूपी में चुनाव है, लेकिन अगर आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने किया है सर्वे। और इस सर्वे में यूपी की सभी 403 विधानसभा के 86,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। ये सर्वे नवंबर को पहले हफ्ते में किया गया था। लेकिन यूपी में सरकार किसकी बन रही है और कौन है मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी का मूड बताने वाला सबसे बड़ा सर्वे। यूपी में अभी चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार, यूपी की सबसे बड़ी बाजी, जनता किस पर है राजी। चुनाव यूपी का है लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि इस बार यूपी में क्या होगा, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में यूपी में चुनाव और जैसे जैसे वक्त बीत रहा यूपी का सियासी मिजाज भी बदलता जा रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आज यूपी में चुनाव हुए तो सूबे में किसकी सरकार बनेगी। यही समझने के लिए चुनाव से पहले एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने यूपी की जनता के मूड को समझा, जिसमें 86,000 लोगों ने हिस्सा लिया। ये सर्वे नवंबर के पहले हफ्ते में किया गया, जिसमें जनता से पहला सवाल यूपी सरकार के कामकाज को लेकर पूछा गया, क्योंकि इस बार किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला सरकार के काम पर ही होगा। जिसमें 45% लोग यूपी सरकार के काम से बहुत संतुष्ट दिखाई दिए, 22% लोग संतुष्ट नजर आए, 30% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं, जबकि 3% लोगों ने कहा कि वो इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। सरकार के कामकाज के बाद अगला सवाल सूबे के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर था, क्योंकि किसी भी चुनाव में चेहरा सबसे अहम होता है। हमारे सर्वे में जनता ने मुख्यमंत्री के चेहरे की पसंद के तौर पर 41% लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पहली पसंद बताया, 32% लोगों ने अखिलेश यादव को पहली पसंद बताया, जबकि मायावती को 16% लोग अपनी पहली पसंद बता रहे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को भी 5% लोग अपनी पहली पसंद मानते हैं, जबकि जयंत चौधरी को भी 2% लोग अपनी पहली पसंद मान रहे, जबकि 4% लोग किसी अन्य चेहरे को अपनी पहली पसंद बता रहे। मतलब यूपी की जनता की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही है। लेकिन क्या योगी का चेहरा इस बार भी यूपी में भाजपा के लिए जीत की गारंटी होगा, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है। मतलब आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और किसकी सरकार बनेगी। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो यूपी में भाजपा को 213 से 221 सीटें मिलती दिखाई दे रही, सपा को 152 से 160 सीटें मिल सकती हैं, बसपा को 16 से 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही, जबकि कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिलती नजर आ रही, वहीं अन्य को भी 2 से 6 सीटें मिल सकती है। मतलब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती अभी भी नजर आ रही। लेकिन इस सर्वे की 2017 के चुनावी नतीजों से तुलना की जाए तो 2017 में भाजपा को 325 सीटें मिली थी, जबकि आज भाजपा के खाते में 213 से 221 सीटें जाती दिख रही। सपा को 2017 में 48 सीटें मिली थी, जबकि आज 152 से 160 सीटें मिलती दिख रही। 2017 में बसपा को 19 सीटें मिली थी, जबकि इस बार 16 से 20 सीटों पर बसपा जीतती दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 2017 में 7 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को इस बार 6 से 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही। 2017 में अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी, वहीं अन्य भी इस बार 2 से 6 सीटें जीतते दिखाई दे रहे। भाजपा की सीटें जहां कम हो रही वहीं सपा की सीटें बढ़ती नजर आ रही। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को यूपी में 40.7% वोट मिलते दिखाई दे रहा है, सपा को 31.1% वोट मिलते दिखाई दे रहा है, बसपा के खाते में 15.1% वोट आते दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 8.9% वोट मिलते दिखाई दे रहा है, वहीं अन्य के खाते में भी 4.2% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। अब इस वोट प्रतिशत की 2017 चुनाव के वोट प्रतिशत से तुलना करें तो क्या अंतर आता है, आपको ये भी समझाते हैं। भाजपा को 2017 में 41.4% वोट मिले थे, जबकि आज उसके खाते में 40.7% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं।
सपा को 2017 में 23.6% वोट मिले थे, जबकि आज सपा के खाते में 31.1% वोट जाते दिखाई दे रहे। बसपा को 2017 में 22.2% वोट मिले थे, जबकि बसपा का वोट प्रतिशत आज घटकर 15.1 दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 2017 में 6.3% वोट मिले थे, लेकिन आज उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 8.9% दिखाई दे रहा है। अन्य को 2017 में 6.5% वोट मिले थे, जबकि इस बार अन्य को 4.2% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। मतलब वोट प्रतिशत में भाजपा कम हो रही, लेकिन जितना वोट प्रतिशत भाजपा को आज भी मिलता दिखाई दे रहा है वो बहुमत के जादुई आंकड़े के लिए काफी है। कुल मिलाकर एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के सर्वे में यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में यूपी में फिर से बीजेपी सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से करीब 3 महीने पहले कराए गए सर्वे में यूपी में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 213 से लेकर 221 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो सपा की साइकिल 150 सीटों तक दौड़ सकती है। यानी सपा का आंकड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन साइकिल इतनी भी नहीं दौड़ रही कि जो सत्ता तक पहुंच सके। सर्वे में एक बार फिर से हाथी की चाल मंद होती दिख रही है। बसपा का हाथी सिर्फ 16 से 20 सीटों पर ही घूमता दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो स्थिति भी कमोबेश 2017 जैसी ही नजर आ रही है। प्रियंका की 9 प्रतिज्ञाओं के बावजूद कांग्रेस 6 से 10 सीटों तक ही जीतते दिख रही है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ 41% के साथ मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर जनता की पहली पसंद बनते दिख रहे हैं, तो 32% लोगों की पसंद के साथ अखिलेश यादव दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। और वहीं सर्वे के बाद सियासी दल भी अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर इतनी मजबूत है कि हिंदुस्तान में कोई दल मजबूत नहीं होगा, और हमारे जब बूथ के कार्यकर्ता के साथ चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप अपने अपने से जैसे सर्वे किया है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हम 300 प्लस करेंगे। हमारा जो सर्वे है कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ के टीम के अनुसार हम 300 प्लस करेंगे। एबीपी के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जहां 260 पे खड़ी थी पिछले एक महीने पहले, वहां आज 213 पे पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी की सीटें जो 120 पे थीं, वो आपके सर्वे के हिसाब से 160 आ गई हैं। समाजवादी पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से, बेरोजगारी से, जिस तरीके से लोगों का उत्पीड़न हुआ है, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, पूरा लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। आज की तारीख में विधायक इतने नाराज हैं, आज की तारीख में जनता विधायकों से इतनी नाराज है, इनके यहाँ पार्टी के अंदर इतनी इनफाइटिंग है कि आज पूरी तरीके से आज क्लियर हो गया है कि समाजवादी पार्टी ग्राफ बढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अभी तक के हर सर्वे में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके दिखाया जाता रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है या जहां पर कांग्रेस पार्टी ने प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाई है। थोड़ा ही सही बढ़ाना शुरू किया है, थोड़ा और इंतजार करिए। कांग्रेस पार्टी के सर्वे में बहुमत होगा और सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत से अधिक सीटें लेकर आएगी। उधर अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा का समापन होने वाला है और कुछ ही देर में ये परिक्रमा खत्म हो जाएगी। सुबह ठीक 8:33 पर परिक्रमा समाप्त होगी। बताएं आपको कि अक्षय नवमी के पुण्यतिथि पर ये परिक्रमा कल सुबह शुरू हुई थी, जो अब खत्म होने जा रही है। हालांकि अयोध्या में कल से 5 कोसी परिक्रमा को लेकर भी श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। अक्षय नवमी के मौके पर ये परिक्रमा शुरू हुई थी। राम की नगरी में 14 कोसी परिक्रमा भी शुरू होगी और परिक्रमा के लिए अब श्रद्धालु वहां पर पहुंचने भी लगे हैं। 5 कोसी परिक्रमा के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। और इस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता ऋषि गुप्ता, जो कि अयोध्या से ही हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे आपको ऋषि के पास लिए चलते हैं। ऋषि, 2 साल बाद जाकर ये परिक्रमा पूरी तरह से हो पा रही है। कोरोना काल में काफी कुछ रुका रहा, तो ऐसे में असर परिक्रमा पर भी पड़ा। इस बार कहा जा रहा था कि रौनक होगी, लाखों की तादाद में भक्त पहुंच सकते हैं, तो फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से आपको मिल रही हैं और आज किस प्रकार समापन कार्यक्रम है?
आपको बता दें कि ये परिक्रमा कल 10:40 पर शुरू हुई थी, आज 8:33 पर समाप्त होगी। हालांकि परिक्रमा समाप्ति का समय तो करीब आ गया है, पर श्रद्धालुओं के परिक्रमा करने का जो लक्ष्य है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी लाखों श्रद्धालु ऐसे हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं। क्योंकि 2 वर्ष से श्रद्धालु जो थे परिक्रमा नहीं कर पा रहे थे, कोविड की वजह से श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं दी गई थी, पर इस बार यूं कहें कि इस बार जो है लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करें। साथ ही साथ कल से पचकोसी परिक्रमा का शुरुआत होगा, कल सुबह 9 बजे से पचकोसी परिक्रमा शुरू होगी जो परसों जाकर के 8:52 पर समाप्त होगा। परिक्रमा समाप्ति का समय तो करीब है और 14 कोसी की परिक्रमा अभी भी लोग कर रहे हैं, और यूं कहें कि मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। यही वजह श्रद्धालुओं की जो संख्या है जो बड़ी है, अभी जब हम आ रहे थे तो रामलला के भक्त जो है लाइनों में इस कदर खड़े थे क्योंकि लाखों की संख्या में राम भक्त दर्शन कर रहे हैं, और कल से ही श्रद्धालुओं की जो आमद है रामलला के दर्शन में भी बढ़ गई है। यही वजह है कि मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है, रामलला के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो और बढ़ गए हैं, उनकी तादाद चौगुनी हो गई है। और इस बार जो था इस कोसी परिक्रमा के ऊपर जो कहा जा रहा था कि भक्तों का उतना ही उत्साह देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। ऋषि, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए आस्था, क्योंकि इस खबर पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन आज बड़ी खबरें क्या हैं वो बताएंगे, तो इंतजार कीजिए आप भी दर्शकों के साथ। जी हाँ, तो जया हमें बताएंगी कि किन खबरों पर नजर रहने वाली है। चलिए जया, अब ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखाती हूँ कि आज कौन सी महत्वपूर्ण खबरें जो हैं वो रहने वाली हैं। सीधे आपको जया के पास ले चलते हैं। जी आस्था, बताएं आपको कि आज जो बड़ी खबरें रहेंगी उस पर हमारी दिन भर नजर होगी, और उन खबरों में जो सबसे अहम है वो खबर है यूपी के 2 शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित है, ये जानकारी मिली है। बुलंदशहर और नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित है, और बुलंदशहर नोएडा की अगर हम बात करें तो एक आई लेवल यहां पर 488 पर रहा है। गाजियाबाद में भी प्रदूषण की मार लगातार बढ़ती जा रही है, एक आई लेवल यहां पर 486 है, जबकि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो ये आंकड़ा 471 का है। फरीदाबाद का 407 है और गुरुग्राम का 448 है आस्था। और इसके अलावा एक और जो बड़ी खबर है जिस पर हमारी दिन भर नजर होगी वो भी मैं आस्था आपको बता दूं, जीका वायरस से जुड़ी ये खबर है। कानपुर के बाद लखनऊ में पांव पसार रहा है जीका वायरस, लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट पर है। तो जीका वायरस से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक और नया केस लखनऊ के लाल कुआं से सामने आया है, और इसके बाद अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर दिखाई दे रहा है आस्था। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने बताया कि किस तरह लखनऊ में जीका वायरस का एक और नया केस जो है वो सामने आया है। लखनऊ के लालकुआ इलाके में जीका वायरस का ये नया केस है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और लखनऊ की बात करें तो अब तक जीका वायरस के 3 केस की पुष्टि यहां पर हो चुकी है। इससे पहले कानपुर में बहुत सारे मामले सामने आए थे और अब लखनऊ में इस मामले की पुष्टि हुई है। बिल्कुल, और लगातार हम ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग अभी जागरूक नहीं है, लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, तो इस खबर पर भी हमारी आज नजर होगी आस्था। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। और अब हम आपको बताएंगे कि कानपुर में क्या चल रहा है। हमारे संवाददाता अमर सिंह वहां पर मौजूद हैं, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मैं हूं अमर सिंह और हम कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा में मौजूद हैं। नीलिमा कटियार का ये क्षेत्र है, बीजेपी से वो विधायक हैं, और ये एक बहुत फेमस मट्ठे की दुकान के बाहर आज हम आए हुए हैं। सुबह सुबह 56 साल पुरानी ये दुकान बताई जाती है, यहाँ कुछ लोग आए हैं मट्ठा पीने, और भी कई लोग बैठे हुए हैं। लोगों से हम जानेंगे उनकी राय कि कानपुर में क्या विकास हुआ है और क्या जानना चाहते हैं, किसको वो मक्खन खिलाएंगे ये 2022 के चुनाव में। सर क्या नाम है आपका? गोविंद मिश्रा। गोविंद मिश्रा जी, 2022 में चुनाव आ रहा है, दिवाली हो चुकी है, होली आने की तैयारी है, तो 2022 में किसको मक्खन खिलाएंगे आप, किसकी क्या उम्मीद है? अब बेटा यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ऑप्शन लेस चुनाव है ये, तो उम्मीद तो बीजेपी की दिखती है इसमें। ऑप्शन लेस चुनाव, आपने नया वर्ड दे दिया, ऐसा क्यों? ऑप्शन लेस इसलिए है क्योंकि बाकी दल कहीं रेस में दिख नहीं रहे हैं। कानपुर में मेट्रो, जिस तरह से मेट्रो का वर्क हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इसका संचालन कानपुर के लिए उपलब्धि, स्मार्ट सिटी बना दिया कानपुर को। मेट्रो में तो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हमने दी थी, ये तो योगी जी फीता काटने आए हैं।
निश्चित तौर पर मेट्रो का अनाउंसमेंट अखिलेश जी ने किया था। जैसे हम लोग बच्चे पढ़ते हैं ना एफ आर एप्पल, तो वो फोटो उन्होंने दिखाई थी मेट्रो की। क्या उम्मीद लग रही कानपुर जनता किसको पहुंचाएगी इस समय विधानसभा? बीजेपी है भैया, बीजेपी ही है। तो यहाँ सब मुझे बीजेपी वाले लोग ही मिल रहे हैं, बीजेपी बीजेपी। क्या बहुत विकास हुआ है इसका मतलब कानपुर में? देखो गरीब आदमी, उसको क्या चाहिए? गरीब आदमी क्या चाहिए? गरीब आदमी तो महंगाई भी कह रहा है। अरे तो हमें नहीं, हम और किस चीज में महंगाई आपको बता रहे? अच्छा तो ये आपका क्या कहना, आप बताइए, आप इनसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कि क्या क्या लग रहा है आपको? अखिलेश की सरकार आने की संभावना है। सरकार क्या, क्यों बीजेपी से खुश नहीं है आप? नहीं नहीं, अखिलेश की, अखिलेश बीजेपी से खुश नहीं? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं खुश है। बताइए, आपके यहाँ तो अलग अलग तरह के लोग आते रहते होंगे, बहुत पुरानी दुकान है, तो क्या लग रहा है आपको, लोग बात करते होंगे, आप अपना अनुभव बताइए, आपके पास कई लोगों का अनुभव। सरकार नो डाउट बीजेपी की आनी है, सरकार बीजेपी की आनी है, बीजेपी की आनी है। क्यों, क्या विकास? राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रधान है, बाकी सब मुद्दे गौण। हाँ बिल्कुल, सपा की सरकार आ गई क्योंकि उनका काम बोलता है, काम दिखता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लगता है 2022 में किस तरह रुझान है जनता का, क्या आपका क्या विचार है, आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? महंगाई बहुत है सर, महंगाई में तो सोच विचार के फैसला करेंगे। महंगाई मुद्दा आपके लिए है, सोच विचार कर फैसला करेंगे, क्यों, क्या और इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है? और कोई मुद्दा नहीं, महंगाई है बहुत। क्या आपका विचार है, किसकी सरकार आएगी? आप तो बिजनेस कर रहे हैं। विस्तृत रूप से तो विस्तार जो है बीजेपी का ही है, और कोई पार्टी इतना ज्यादा विस्तार पूर्वक आ ही नहीं सकती, आपस में गठबंधन ही करना पड़ेगा। नहीं, जब अगर बहुमत आ जाएगा तो गठबंधन का कोई जोर ही नहीं बना हुआ है, और वो बना रहेगा। विकास सरकार करती है, पैसा खर्चा करती है, लेकिन बीच में जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोकना चाहिए। चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आएगी, आप ऐसा कह रहे हैं? चाह भी रहे हैं, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन लेस चुनाव है, इस दुकान में हमको नया वर्ड मिल चुका है कि ऑप्शन लेस चुनाव है, और ये कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है। इसका मतलब कि नीलिमा कटियार जी से लोग खुश होंगे, और इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ में अमर सिंह, एबीपी गंगा के लिए। तो आस्था, देखिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन लोग अभी भी सोच समझकर फैसला करेंगे, लेकिन मान रहे हैं कि ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए बीजेपी आ सकती है।